विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नवापुरा स्थित जहरवीर बाबा के पास स्थित श्री चनीदेव मंदिर पर शनि अमावस्या के पावन एवं पुनीत अवसर पर पूजा अर्चना करने के साथ साथ भंडारे के प्रसाद का वितरण किया गया। देखा गया कि विगत वर्षों में जहां श्री शनि अमावस्या पर भक्तों का रेला उमड़ता था, वहीं अब कोविड-19 गाइडलाइन के चलते भीड़ बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिली। इसकी मुख्य वजह थी शासन और प्रशासन द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिए जाना। जहरवीर बाबा के पास स्थापित श्री शनिदेव मंदिर के पास भक्तों ने सर्वप्रथम श्री शनिदेव महाराज की पूजा आराधना की। तत्पश्चात श्री शनिदेव जी महाराज को लगाए गए भोग प्रसाद को भंडारे के प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को श्रद्धा पूर्वक वितरित किया। इस अवसर पर समस्त उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा श्री शनिदेव महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, जिस तरीके से आपने समस्त जनमानस के दुख दर्द को दूर कर उनको जीवन की खुशियां प्रदान करते हैं, तो वह महानगर के साथ साथ पूरे विश्व में पहली इस कोरोना महामारी के वायरस को भी समाप्त कर समस्त जनमानस को जीवन की खुशियां प्रदान करे। व्यवस्था में क्षेत्र के अनेक गणमान्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्री शनि अमावस्या के बारे में भक्तों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, ये आज शनि जयंती है, हर साल की भांति इस वर्ष भी हमने शनि महाराज का महान उत्सव मनाया है। कितने साल से मनाते आ रहे हो? हमें 13-14 साल हो चुका है। तो यहाँ पे कोविड का जो पीरियड चल रहा है इसमें कोरोना का, तो उसमें आपने गाइडलाइंस वो करा है? नहीं, हमने इसमें कुछ नहीं, इसमें इतनी पब्लिक नहीं थी, उसका दुखता लोगों के लिए हमने ये किया है, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, और इसके लिए हम सावधानी बता जी। ये किसके ऊपर आपने ये भंडारे का आयोजन किया? ये हर साल की भांति शनिदेव महाराज जी की जयंती पर भंडारा हो रहा है, उड़द और चावल ये मान्यता होती है। कितने वर्षों से कर रहे हो आप? ये करीब चौथा वर्ष हो गया इसके करते हुए। तो जैसे ये कोविड का वो चल रहा है पीरियड, तो उसमें आप लोगों ने क्या वो करा है? कोविड-19 का ध्यान में रखते हुए ये भंडारा कराया है, नियमों का पालन करते हुए।